पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं। और आप यहां तक पहुंच गए, मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। करते हैं क्या? करते हैं क्या? क्या कांग्रेस को शोभा देता है क्या? उनके नेता को शोभा देता है क्या? मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले और किसी मां को अंदर घसीटने वाले लोगों को जड़वा तोड़ जवाब माता और बहनों ने देना चाहिए, ताकि कभी किसी मां को बीच में लाने की हिम्मत ना करें। और कांग्रेस वाले ये समझते हैं क्या कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच जाएगी? भाई बच पाएगी? बच पाएगी? और मैं तो हैरान हूं, वो सिर्फ मोदी को नहीं, हमारे शिवराज जी को भी न जाने क्या क्या गालियां देते हैं। वो तो नामदार है, हम कामदार है, और नामदार को तो किसी को भी गाली देने का हक होता है जी। नामदार को कोई टेलीफोन आ जाए, बात करने में लंबी बात चल जाए और रखी हुई चाय ठंडी हो जाए, तो भी नामदार गाली कामदार को देता है कि चाय ठंडी क्यों लाया। अरे भाई नामदार, तुम टेलीफोन पर बैठे थे, उसमें चाय ठंडी हो गई, लेकिन गाली कामदार को पड़ती है। पाप नामदार करते हैं, गुना नामदार करते हैं, गाली हम कामदार खाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये नामदार की मानसिकता होती है। मैं हैरान हूं, अरे शिवराज जी के खिलाफ मुद्दों पर लड़ाई लड़ो ना, और उनको परेशानी है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा शिवराज जी को मामा, राजा शाही मानसिकता में पले बड़े हैं, सोने के चमच लेकर के पैदा हुए हैं, राजघरानों के सिवाय कुछ देखा नहीं है। उनके लिए सरकार ये देगी, सरकार वो दोगी, और लोगों को सरकार पर निर्भर रखना, उसी के भरोसे जीने के लिए मजबूर करना, ये उनकी राजाशाही जमाने की आदत देश आजाद होने के बाद भी इस परिवार की बनी रही। हमने उस सोच को बदला, हम देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा रखने के लिए ताकत देना चाहते हैं, एम्पावरमेंट कर देना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके इरादों को और मजबूती देना चाहते हैं। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए, बैंक के दरवाजे हमने देश के नौजवानों के लिए खोल दिए। जिसके पास सपने हैं, जिसके पास संकल्प है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास नेक इरादे हैं, ऐसे करोड़ों मेरे नौजवान अपने पैरों पर खड़े रह करके रोजगार देने का इरादा रखते हैं। और इसलिए हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमने बैंकों से कह दिया, ये बड़े बड़े लोग तो बैंकों को लूट लेते हैं। पुरानी सरकार का एक टेलीफोन आता था और आप बैंकों की तिजोरी खोल देते थे। देश में 50 साल में बैंकों ने जितना पैसा दिया, उतना ही पैसा 2006 से 2014